Hello and welcome to another car review. I'm present at Islamabad Motors Gauri Town and uh, the car that I have uh, just come reviewed that is Proton Saga. This is the top of the variant Ace 80 silver, armored silver color. Hai iska or, uh, first appearance because the Proton is a Malaysian brand, so they have tried it nicely to compete with the Chinese branch because. इससे पहले हमारे पास दो ही ब्रांड्स थे सुजुकी मोटर्स टिटा और कुछ और छोटे मोटे ब्रांड्स थे पाकिस्तान में बट अब नए ब्रांड जिस तरह से इन्होंने ये प्रोटान की ये गाड़ियाँ लॉन्च की सागा आ, बेसिकली दिस इज़ टॉप ऑफ द वेरिएंट इसके इसमें अगर मैंने देखा है इसके अगर व्हील्स रिम्स देखें तो इन्होंने फिफ्टीन इंच एलोआर रिम्स दिए हैं दे लुक नाइस अब इस जो रिव्यू है उसमें मैं इसकी एक्सटर्नल अपेयरेंस का बताऊंगा और इसकी इंटरनली और कैसी प्रोडक्ट यूज किए बाय द अपेयरेंस कैसी लगती है फर्स्टली आई वुड जस्ट लाइक टू रिव्यू द फ्रंट साइड ऑफ द कार अगर आप बाहर से देखें तो गाड़ी जो है वो इट सीम्स अ बल्कि कार ना के छोटी कार लगती है थोड़ा सा इन्होंने ऊपर वाली साइड ज्यादा इसकी जो रूफ है ऊंची है बट अच्छा इन्होंने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट में देख लैम्प यूज हुए में, बहुत अच्छी लाइट इस अगर अपेयरेंस से भी बहुत अच्छी है और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी ये अच्छी लाइट्स है नॉन कन्वेंशनल ग्रिल इन्होंने प्लास्टिक यूज किया है और ब्लैक ब्लैक कलर कह सकते हैं या पियानो ब्लैक कह सकते हैं नीचे भी इन्होंने यहाँ पे जो एयर सक्शन के लिए और यहाँ पे और दी हुई है ये भी पियानो ब्लैक में है और नीचे नोज है वो नोज दैट लुक्स गुड एज वेल इसके अलावा यहाँ पे ये मेरे ख्याल से इसके रिफ्लेक्टर्स बल्कि ये एर, साइड इंडिकेटर्स के लिए इन्होंने यहाँ पे दिए हुए नीचे इंडिकेटर्स दैट इज ऑल्सो वेरी नॉन कन्वेंशनल बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर जो आ, साइड पे आपकी इंडिकेटर्स होते हैं दे आर माउंटेड विद द मेन लाइट लेकिन इन्होंने यहाँ पे इसको नीचे बम्पर के साथ दिए हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही है कन्वेंशनल जिस तरह से होता है गाड़ियों में आपका मेन जो स्क्रीन स्क्रीन होती है विंड दैट इज कन्वेंशनल अगर मैं मिरर साइड मिरर्स की बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे इंडिकेटर भी दिया हुआ है और लुक वाइज भी दैट्स नॉर्मल तो साइड प्रोफाइल जो इस गाड़ी की है अच्छी साइड प्रोफाइल है इट सीम्स अच्छी लॉन्ग कार अगर चेंगान के कंपटीशन में हम देखें क्योंकि ये सेम ही टाइम पे लॉन्च हुई थी ऑलमोस्ट पाकिस्तान में चेंगान एल्सविन और ये गाड़ी तो ठीक है मुझे ज़्यादा वैसे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट चेंगान की शेप थोड़ी सी इससे अच्छी लगती है और पाकिस्तान में वो सेल भी ज़्यादा हुई बट ये कार भी कम नहीं सेल हुई पाकिस्तान में अच्छी अभी भी अच्छी इसकी मार्केट चल रही है और प्राइस वाइज भी ये उससे कम है तो इसलिए इसकी डिमांड जो है वो से इन टू टू एल्स ये बेहतर है अब लेट्स कम बैक बैक इट्स साइड अच्छा फ्यूल टैंक इसका वही राइट साइड से फ्यूल टैंक है 40 लीटर का इसका टैंक कैपेसिटी है बैक प्रोफाइल बहुत प्यारी है लाइट्स उसी तरह से हैं पीछे इन्होंने स्पॉयलर भी दिया हुआ है इसमें इंडिकेटर्स जो हैं वो पीछे बैक साइड पे बैक लाइट में ही माउंटेड है अब इसकी बूट स्पेस की अगर इसकी हम बूट स्पेस भी देखते हैं इन्होंने यहाँ पे बल्कि बूट स्पेस से पहले बिफोर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने बैक सेंसर्स भी दो सेंसर्स हैं पार्किंग सेंसिस यहाँ पे लगे हुए हैं इसकी बैजिंग और सागा की बैजिंग या प्रोटॉन इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में बड़ा करके खुला करके प्रोटॉन लिखा हुआ जो कि अच्छा लगता है फोर हंड्रेड लीटर्स इसकी बूट स्पेस है अच्छी स्पेस है बूट स्पेस यहाँ यहाँ पे इन्होंने और अंदर भी काफ़ी आपको एम्पल स्पेस नज़र आती है बूट की और इसकी लाइट जो है वो ये इसके साथ नहीं है अटैच इसकी लाइट इन्होंने पीछे जो है वह ये शीशे के साथ लगाई हुई है और ये डिफॉगर भी एक जो कि पाकिस्तान में बड़ा कम आया करता था तो इन्होंने पीछे जो है डिफॉगर भी दिया हुआ है और शार्क एंटेना तो वो पाकिस्तान की वैसे एक सैम्बल बन चुका है कि पाकिस्तान में जो भी गाड़ी आएगी तो उसमें शार्क एंटेना नहीं होगा तो सो लेट्स गो बैक टू द इंटीरियर ऑफ दिस कार अच्छा आ, अगर गाड़ी के इंटीरियर को देखें तो मुझे तो बैठ थोड़ा सा लाइक like, पाकिस्तानी बाकी गाड़ियों से जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था सुजुकी जैसा कि कार है या टिटा की कार्स हैं उनसे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी अंदर से इसकी बिल्ट क्वालिटी है आपको फ़ील आता है कि लाइक थोड़ा सा एलीट और थोड़ा सा रिच फील आता है आप बैठते हो तो ये कि ख़ाली नहीं है गाड़ी क्योंकि इन्होंने पहले पहले यहाँ पे बाहर से एक्सटर्नली माउंटेड डिस्प्ले एल 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 सी डी लगाई हुई है और ये जो वेरिएंट है इसमें फोर स्पीड ट्रिप्टोनिक गेयर्स हैं पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल और डी और स्पोर्ट्स मोड भी है इसमें और यहाँ पे आम रेस्ट भी इन्होंने दिया हुआ है आम रेस्ट जो भी की भी क्वालिटी अच्छी है लेदराइट है उसके साथ निटिंग के साथ अच्छा इसमें लेदर जो है लेदर की क्वालिटी अच्छी फील आती है नॉट बैड अच्छी फील आती है स्टेयरिंग बल्कि आपको फ़ील होता है अंदर से इन्होंने हॉर्न दिया हुआ है आवाज़ बस नॉर्मल एक बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा है वॉल्यूम अप डाउन मोड्स हैं यहाँ पे कॉल आप यहाँ पे पिक कर सकते हो म्यूज़िक को चेंज कर सकते हो यहाँ पे और स्टेयरिंग भी अच्छा स्टेयरिंग है होल्ड करने के लिए सही है इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन ये हमें ताकि आपका स्लिपरी ना रहे स्टेयरिंग और मेरी साइड पे जो ड्राइवर साइड है उसमें सारी विंडो ऑटोमेटिक हैं और इसके मिरर्स भी ऑटो रिट्रेक्टेबल मिरर्स हैं आप गाड़ी को लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं लेफ़्ट राइट मिरर्स भी सेट कर सकते हैं मिरर्स की से आपको गाड़ी की पोजीशनिंग जो है वो गाड़ी की बाहर बैक साइड को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और बैक मिरर भी सही है थोड़ा सा ड्राइवर की जो सिटिंग पोजीशन है वो लो 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 प्रोफाइल है नीचे आपको बैठना पड़ता है गेयर इन्होंने अच्छा गेयर दिया हुआ है नॉट बैड थोड़ा सा मुझे क्वालिटी जो है इस गेयर की शायद ये चली नहीं है तो जिसकी वजह से ये स्मूद नहीं है लेकिन सही है क्वालिटी कप होल्डर्स स्मॉल स्पेस दी हुई है इन्होंने कप होल्डर्स की और जो इसका एसी वगैरह के वो बटन्स हैं नॉब्स हैं वो कन्वेंशनल नॉब्स हैं इन्होंने जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी जैसा कि पुरानी करोला थी उसी तरह का इन्होंने वेंट्स भी दी हुई है हैं इसमें दो कलर्स का यूज़ हुआ हुआ है पियनो ब्लैक वही जो कि लेदर लेदर की उसमें इन्होंने यूज़ किया है यहाँ पे लेदर नहीं है बल्कि ये प्लास्टिक यूज़ हुआ हुआ है अंदर पियनो ब्लैक कलर में और अगर इसके ज़्यादातर आपको ये फील आता है कि आपको ये प्लास्टिक ही अंदर यूज़ हुआ है जो हेड टू सन जो हेड टू रूफ है ये स्पेस ठीक है मेरे जैसे फाइव uh, थ्री के बंदे के लिए और अगर इससे भी हाइट ज़्यादा है तो आप इज़ीली बैठ सकते हैं तो अगर कुछ कोई बड़ा होगा तब भी अब पीछे की स्पेस भी ठीक है क्योंकि ये एक सेडान की कैटेगरी में आती है तो ठीक गाड़ी है अब बाकी बस मेरे ख्याल से एयर बैग्स भी हैं इसमें दो एम यहाँ पे एस आर एस एयर भी दिए मैं इन्होंने दो तो छः एयर बैग्स इन्होंने यहाँ पे दिए मैं सो दैट्स ऑल फ्रॉम द इंटीरियर एंड अगर इंटीरियर की uh, यहाँ पे हाँ मीटर की हम बात करना भूल गए अब मीटर भी इन्होंने यहाँ पे आपको अगर कोई साइड uh, पे जो डोर है वो ओपन है तो वो आपको बता देता है जो स्पीडोमीटर है इसका मैनुअल स्पीडोमीटर है जहाँ पे जिस जो वो ईसुई -E के साथ और मैक्सिमम 220 तक है और तो बाकी फ्यूल की यहाँ पे बता रहा होता है कोल्ड एंड हीट का कि कितना है और आर पी बाकी सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस रिव्यू होपफुली आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आएगा हमारा क्योंकि ये हमारी फ़र्स्ट अपेरेंस है वैसे तो ये बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं लेकिन ये हमारी फ़र्स्ट अपेरेंस है तो होपफुली यू वुड लाइक इट सो बहुत शुक्रिया आपने अगर यहाँ तक हमारा रिव्यू देखा देखा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस